Asalaamu Alaikum, viewers, and welcome back to my channel Study Law with Pushtra. So, we were discussing Civil Procedure Code 1908. We have discussed up till section 82. In this video, we are going to discuss section 83. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. Section 83 of CPC deals with the topic of when aliens may sue. कि अगर एलियंस पाकिस्तान की कोर्ट्स में आकर कोई सूट फाइल करना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर होगा वो कब पाकिस्तान की कोर्ट्स में सूट फाइल कर सकते हैं अब यहाँ पर फाइलिंग ऑफ दी सूट का प्रोसीजर डिस्कस किया गया है इस चीज का कोई ताल्लुक इस सेक्शन से नहीं है कि अगर उनके खिलाफ किसी ने सूट फाइल किया है तो क्या वो उसको डिफेंड कर सकते हैं या नहीं टॉपिक लिखा है व्हेन एलियंस में सू यानी कि वो कब सूट फाइल कर सकते हैं अब बात ये आती है कि एलियंस कौन है सो एलियंस आर बेसिकली दी फॉरेनर्स पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क का कोई भी शहरी पाकिस्तान के लिए एलियन कंसिडर होगा सो सिंपली एलियंस आर बेसिकली द फॉरेनर्स विच आर रिजाइडिंग आउटसाइड द पाकिस्तान इन एनी कंट्री एंड व्हेन दीज फॉरिनर्स कैन फाइल अ सूट इन पाकिस्तान कोर्ट इसका प्रोसीजर डिस्कस किया गया है सेक्शन 83 में लेकिन सेक्शन 83 को डिस्कस करने से पहले हम एक और चीज डिस्कस कर लेती कि इन फॉरेनर्स को इन एलियंस को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है एलियंस फ्रेंड्स एंड एलियंस एनिमी जब हम सेक्शन 83 को डिस्कस करेंगे तो वहां पर ये दो वर्ड्स यूज हुए हैं नाउ हु आर दी एलियन एनिमीज एंड हु आर दी एलियन फ्रेंड्स इनके दरमियान का बेसिक डिफरेंस क्या है एलियंस एनीमीज़ बेसिकली वो शहरी हैं वो फॉरेनर्स हैं जो पाकिस्तान से बाहर किसी ऐसी कंट्री में रह रहे हैं जिसके साथ पाकिस्तान के टर्म्स अच्छे नहीं हैं पाकिस्तान के साथ उनके तालुक कशीदा है, कुछ कशीदगी चल रही है कुछ जंग वगैरह चल रही है सो so, ऐसी कंट्री के फॉरेनर्स को हम क्या कहेंगे एलियन एनिमीज जबकि इन कंट्रास्ट एलियन फ्रेंड्स कौन है ऐसी कंट्री के सिटीजन जिनके साथ पाकिस्तान के टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छे हैं पाकिस्तान के साथ फ्रेंडली रिलेशंस है सो so, अब पाकिस्तान के किस कंट्री के साथ फ्रेंडली रिलेशंस है चाइना हो गया टर्की हो गया सऊदी अरेबिया हो गया इसके अलावा और भी बहुत से कंट्रीज सो so, उन कंट्रीज के सिटीजन्स को हम क्या कहेंगे एलियन फ्रेंड्स अब सेक्शन 83 बताता है कि ये एलियन एनिमीज या ये एलियन फ्रेंड्स कब पाकिस्तान में सूट फाइल कर सकते हैं सो so, सेक्शन 83 थ्री सेक्शन वन स्टेट्स दैट एलियन एनिमीज रिजाइडिंग इन पाकिस्तान विद परमिशन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट एंड एलियन फ्रेंड्स में सू इन कोर्ट्स एस इफ़ दे वर देर दिटिजन ऑफ पाकिस्तान अब पहली बात जो इस क्लॉज में बताई गई है कि एलियन एनिमीज जो पाकिस्तान के अंदर रिजाइड कर रहे हैं वो पाकिस्तान की कोर्ट्स के अंदर सूट फाइल कर सकते हैं लेकिन कंडीशन क्या है कि दे हैव टू टेक दी परमिशन फ्रॉम दी फेडरल गवर्नमेंट जब तक फेडरल गवर्नमेंट उनको सूट फाइल करने की इजाजत नहीं देगी तब तक वो सूट फाइल नहीं कर सकते सो पहली चीज एलियन एनिमीज के लिए कंपलसरी है कि अगर वो पाकिस्तान में रह रहे हैं तो उन्होंने सूट फाइल करने के लिए फेडरल गवर्नमेंट से इजाजत लेनी है फेडरल गवर्नमेंट परमिट करेगी तो वो सूट फाइल करेंगे जबकि दूसरी बात इन कंट्रास्ट जो एलियन फ्रेंड्स हैं उनके लिए किसी तरह की कोई कंडीशंस नहीं लगाई गई ना उनके लिए रेजिडेंस मस्ट है और ना ही फेडरल गवर्नमेंट से परमिशन लेना मस्ट है सो एलियन एनिमीज विद परमिशन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट रिजाइडिंग इन पाकिस्तान कैन फाइल दी सूट वाइल एलियन फ्रेंड्स कैन फाइल दी सूट इवन विदाउट आस्किंग फॉर परमिशन और ये जब सूट फाइल करेंगे पाकिस्तान की कोर्ट्स के अंदर तो बिल्कुल उसी तरीकाकार के मुताबिक सूट फाइल करेंगे जैसे पाकिस्तान के अपने शहरी अपनी अदालतों में सूट फाइल करते हैं सो सिंपल सी क्लॉज वन थी उसके बाद आ जाते हैं क्लॉज टू के ऊपर क्लॉज टू कहता है नो एलियन एनिमी रिजाइडिंग इन पाकिस्तान विदाउट सच परमिशन और रिजाइडिंग इन अ फॉरेन कंट्री शेल सू इन एनी ऑफ दी सच कोर्ट्स फर्स्ट क्लॉज में क्या कहा एलियन एनिमीज रिजाइडिंग इन पाकिस्तान विद परमिशन ऑफ दी फेडरल गवर्नमेंट क्लॉज टू कहती है कि कोई भी एलियन एनिमी अगर वो पाकिस्तान में रिजाइड कर रहा है और वो पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट से परमिशन नहीं लेता तो विदाउट परमिशन वो सूट फाइल नहीं कर सकता सिंपल सी बात है परमिशन लेनी मस्ट है जब हमने क्लॉज वन में डिस्कस किया तो क्लॉज टू इन कंट्रास्ट कह रही है कि अगर आप परमिशन नहीं लोगे तो आप सूट फाइल नहीं कर सकते फिर इसके साथ और रिजाइडिंग इन अ फॉरेन कंट्री शेल सू इन एनी ऑफ दी सच कोर्ट्स या फिर अगर तो आप पाकिस्तान से बाहर हो पाकिस्तान के अंदर रिजाइड नहीं कर रहे तो फिर तो आप सूट फाइल कर ही नहीं सकते सो एलियन एनिमीज

इसमें बताया गया है कि हर वो बंदा जो किसी फॉरेन कंट्री में रिजाइड कर रहा है और उस फॉरेन कंट्री की गवर्नमेंट पाकिस्तान के साथ उनकी जंग चल रही है दे आर एट वॉर विद पाकिस्तान और एंगेज इन आ मिलिट्री ऑपरेशन अगेंस्ट पाकिस्तान या फिर उस फॉरेन कंट्री की गवर्नमेंट पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई मिलिट्री ऑपरेशन कर रही है एंड थर्डली carrying on the business in that country without a license in that behalf under the hand of secretary to the federal government shall for the purpose of subsection 2 be deemed to be an alien enemy residing in a foreign country या तीसरी बात अगर तो वो पर्सन उस फॉरेन कंट्री के अंदर कोई बिजनेस कंडक्ट कर रहा है जिसके लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना मस्त था लेकिन उस पर्सन ने फेडरल गवर्नमेंट से लाइसेंस नहीं लिया और वो उस फॉरेन कंट्री के अंदर बिजनेस कंडक्ट कर रहा है तो इन कंट्रीज में रहने वाले तमाम लोगों को एलियन एनिमीज रिजाइडिंग इन अ फॉरन कंट्री कंसिडर किया जाएगा ऐसी कंट्री जिसकी पाकिस्तान के साथ जंग चल रही है पाकिस्तान के मिलिट्री ऑपरेशंस कर रहे हैं या विदाउट लाइसेंस आप उस कंट्री के अंदर बिजनेस कंडक्ट कर रहे हैं सो दे ऑल आर दी एलियन एनिमीज रिजाइडिंग इन ई फॉरेन कंट्री सो सेक्शन 83 थ्री क्लॉज वन सिंपली के एलियन एनिमी के लिए सूट फाइल करने के लिए गवर्नमेंट की परमिशन लेनी जरूरी है पाकिस्तान में रेजिडेंस जरूरी है एलियन फ्रेंड्स के लिए ना रेजिडेंस जरूरी है और ना परमिशन जरूरी है अगर आप परमिशन नहीं लोगे तो एलियन एनिमी सूट फाइल नहीं कर सकता फिर हमने फर्दर डिस्कस किया कि फॉरेन कंट्री के अंदर जो एलियन एनिमीज हैं उनमें कौन कौन से लोग इंक्लूडेड हैं सो so, ये तमाम चीजें हमने डिस्कस की दैट सेक्शन ऑल थ्री ऑफ सी पी सी 1908 आई होप के आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो सो so, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें कॉमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल देन अल्लाह